अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है खुश हों, आबाद हों और बहुत मज़े में हों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही आसानी से बन जाने वाले चना दाल कबाब। इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं फ्राई करके, और जो वो अंडे वाला बन कबाब बनता है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दाल के ऊपर एक छोटा सा शेर याद आ गया है, वही कॉलेज की किसी दीवार पर लिखा पड़ा होगा। उसमें लिखा था, आज सब्जी पकाऊं या दाल, उड़ी उड़ी जावा मैं हवा दे नाल। अच्छा, मैं आपको ये शेर सुनाती हूँ तो प्लीज़ आप ये नहीं समझा करें कि मैं शायरी में ऐसा ज़ौक रखती हूँ या फिर मैं ट्रक के पीछे लिखे शेर आप लोगों को सुना देती हूँ। बस याद आ जाते हैं तो सुना देती हूँ। स्कूल कॉलेज लाइफ में भी टेबल्स पर, दीवारों पर इस टाइप के शेर लिखे थे, अब तक याद रहे तो मैंने कहा सुना ही दें। अच्छा जनाब, दाल को मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, साबुत धनिया डालकर उबाल लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको गीला नहीं रखना है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेंगे। और फिर मैंने इसको हाथ से ही मूसली से अच्छे तरीके से कूट लिया है। अगर आपको चॉपर में चलाना है तो आप उसको भी चला सकते हैं। फिर उसमें हरा धनिया, पुदीना, गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स मिलाकर गरम मसाला भी मिलाया और फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, उसकी टिक्कियाँ बनाई और फिर इसको फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे। आपने इसको फ्रीज़ करना हो तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और बस फ्राई करने से हाफ आवर पहले आप इनको फ्रीज़र से निकाल दें और फिर इनको फ्राई करें और इंजॉय करें। अंडे में डिप करके भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा चावल का आटा मिला लेंगे तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बन कबाब बनाने के लिए इसकी टिक्कियाँ थोड़ी सी पतली रखें तो वो अच्छा बिल्कुल बाज़ार वाला ही लुक आएगा, क्योंकि उनकी तो टिक्कियाँ बिल्कुल ही पतली सी होती है। जल्द ही बन कबाब बनाकर भी शेयर करूँगी, बेशक उसमें कोई ऐसी ख़ास कोई रेसिपी है नहीं, लेकिन फिर भी बनाऊँगी तो फिर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और हाँ, अंडे वाला बन कबाब तो ज़रूर बनाइएगा, घर वालों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हम सबके रिस्क में बरकत दे और हमें बांटने की तौफीक दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।